अरे काई देख रहे हो, घर में अब को विचार कोनी, सुबह से खानो भी कोनी खायो। लियो पानी पी लियो थोड़ा सा। ते मारी बात तो मानो कोनी, जद मैं थासु बोली थी कि मैं खानो लेर खेता में आ रही हूँ, फिर थाना अबा की काई जरूरत थी। अरे विष्णु तू सुने तो कते ही कोने, बस बोलवाने लाग जावे तो बोलती जावे। काई बताऊं, आज सब्जा की क्यारे में पानी दे रहे थो, अचानक सु मोटर में पानी आबो ही बंद हो गो। हाय राम, या कहीं हो गयो? काई करा, आपने तो किस्मत ही बेकार है। बड़ी मुश्किल से तो ये गर्मिया में सब्जा की फसल उगाई थी, थोड़ी आमदनी हो जाओली। 2 महीना से तो खेत में दिन रात गुजारा, पर सब्जा ने तो मंडी का दर्शन ही कौन होया, और उस पे लिया समस्या आएगी। अजी आदमी सु भी कोई समस्या बची है कदी? काई तो सोचो। अरे बावली, यह समस्या भी तो आपा इंसाना ने खड़ी कर दी है। जल स्रोत का स्तर में कमी है, सबसे बड़ी पेड़ की कमी। अरे जब पेड़ ही नहीं रेवला तो बरसात कटो सो आवली, और जब बरसात ही नहीं आवली तो जमीन ने तो सूखनो है। बात तो ते सांची कह रही हो। अब बेटी बेटी पटेलाई करेली या मुने रोटी को टूक भी लार देवली? सांची मारो तो दिमाग ही खराब हो गयो, थे आत्मु धोलो मबार ले आई। हाँ तो महावीर जी देखो, बिया तो मारा दोनों पेड़ा की कीमत 20,000 से कम कोनी। थाने दे रहे हूँ 15,000 के सागे सागे, एक डबल बेड और एक सोफो भी बना देने पड़े लो। हाँ हाँ संपत जी, आपने कदे कोई चीज के लिए मना करियो कि, पर आप सब भगवान सिंह जी भाई साहब से एक बार जिक्र कर लियो और रजामंदी ले लो बाकी। अरे बाकी रजामंदी काई जरूरत है, मारा पेड़ है, मारा हिस्सा की जमीन पे आया है तो भी से पूछने की काई जरूरत है। वो तो ठीक है, पर आप दोनों भैया की बात है, एक बार बात कर भी मशवरा ले लो, बे कोई आपने कोई मना करेगी। और फिर आपका फर्नीचर को सवाल है आपका मकान को। अब से कहीं छुपाऊं महावीर जी, पर आजकल भाई साहब से मारी कोई ज्यादा बोलचाल को नहीं, पर फिर तो जोल दे रहे हो तो मैं काल जाके पास से बात कर ले। पापा। अरे अरे मारा लाल ठाका बेटा है भाई साहब। बेटा चाचा को नमस्कार करो। चाचा जी नमस्कार। जीव तो रहा मारा बेटा, स्कूल आ रहे हो कि? हाँ चाचा जी। मारो छोरो शहर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। बेटा चाचा जी को कविता सुनाओ। बापू जी आज जो हमारी टीचर ने सिखाई वही सुना दूं? हाँ सुना दे बेटा चल। देते तरवर हमको छाया, जिसमें छुपी है जल की माया, काटे ना इनको सब सींचे, पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। बापूजी अब मैं घर जाऊं, मम्मी मारा इंतजार कर रही होगी। हाँ जा बेटा जा। संपत जी ठाकुर छोरो तो बड़ो कड़क है, रुकबा वाला में से कोनी। अब कहीं बताऊं महावीर जी, साड़ो माँ के कोख में भी 8 महीने रुके हो।
अजी काई हो गयो, जमानोस हो गयो, पर थाने नींद को नहीं आवे। काई बताओ भाग्यवान, आंखें तो लागी थी पर आंखें में अचानक से सपनो आ गो। अजी इसो काई देख लियो सपना में, मन भी तो बताओ। अरे वाई खेत खलियान और जमीन और ये गरीब किसान का सपना में काई आओलो। हाँ हाँ थे तो ये बंजर जमीन से ही प्यार करो, कदम मारी तस्वीर को नहीं आई सपना में। अरे तू भी तो मारी बंजर जमीन जैसी है, हरियाली तो तू भी छोड़ बैठी, अब इस सपना में काया आवली। हाँ हाँ उड़ा लो मेरो मजाक, सारो दोष तो मेरो ही है, थारी बंजर जमीन की जिया मारी कोक जो सुनी रहेगी। बिश्नो तू तो जरा सी बात पे नाराज हो जावे। अरे तू काहे जाने, थारा साथ के लिए तो पूरी जिंदगानी कुर्बान है। सांची कह रहे हो? हाँ सांची। चल अब सो जा, रात घनी होगी। चलो सो जाऊं। राम राम भाई साहब, राम राम। अरे राम राम छोटिया, राम राम। अब तो घना जना में दिखो रे। और काय हाल है थारा? ला मायने बैठे बात कर ला। अरे नमस्कार भाभी जी। कहीं बताऊं भाई साहब, 2 महीने से तो मकान के काम से फुर्सत को नहीं मिली, फिर आपनो ठेकेदारी को भी तो काम है, और थे भी तो आजकल चौपाल कन कोनी आओ हो, या खेता नहीं आपने जिंदगी मान बैठे हो। काय करा अब तो इमे जिंदगी कटेली, अबार थोड़ी सी सब्जी उगाई थी वह भी पानी की वजह से लटकेड़ी पड़ी है, अब जमीन को जल स्त्री गिर जावे तो काय हो। अब तू बता आज सुबह सुबह कठे आयो? हाँ भाई साहब बात यह है कि हमारे घर में फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो दोनों आम के पेड़ाने बेच दूँ, वो कहीं ना कि फल भी कोने आवे आजकल हूँ मैं। पेड़ा सु फल को स्वार्थी कोने हो छोटिया, पेड़ छाया देवे, पेड़ा सु बरसात आवे। अरे जमीन में पानी सूखवा को मेन कारण है या पेड़ा की कमी? भाई साहब या किसानी से पेट को नहीं भरवाड़ो अब, और थे तो जीत पकड़ ही बैठ गया, और बिया भी हो दोनों पेड़ मारी जमीन पर है, तो थे को बीच में रोड अटका रहे हो। भूल गयो छोटिया आपा कितनी मेहनत तू वो पेड़ा ने लगाया, और आज तू आने काटवे की बात करे। अरे यार सुनकर तुम्हारो काल जो फटे है। थाने तो बस खेती और नशो है, चाहे भूखा मरवा का ही दिन आ जावे। पर नहीं थाने तो बस पेड़ों और खेता ही फिक्र है। अरे मैं भूखा मरा पर थारे घर मांग में कोने आवा, और मारी बात कान खोल सुन ले, वह पेड़ा में थारो कोई बंटवारो कोने। तो थे भी मारी बात सुन लियो, मैं आरा मशीन आला सु बात कर ली है, वो काल पेट काट बा जाओ लो। तो या खुलाड़ी ले और कर दे मारा शरीर का 2 टुकड़ा, जब मने रे उलो तो कर लीजिए थारी मन मर्जी, ले कर दे मारा शरीर का 2 टुकड़ा कर। हाँ। हाँ। अरे चल बेटा चल ठेसू भागवत। थाने कहीं जरूरत आन पड़ी है जो दूसरे का फटे में टांग अड़ाओ? मारे घर की बात है, भाई है मारो। अरे वाह जमीन और पौधा का संबंध के बारे में नहीं समझे लो तो मैं कुन्ने सब जावे जाऊं। मैं था की बात समझू पर परिवार में बैठ से दुनिया ने बोलबा को मौका मत दियो। अगर संपत्ति हिस्सा में 2 खेत है तो वहाँ की मर्जी, और वहाँ भी बीका घर में अगर नया सोफा लाग जावला तो बीका घर की शोभा बढ़ जावली। तो तू कहा चाहे बीने में पेड़ा ने काटवा की कह रहा हूँ।
हाँ छोटो भाई है वो था को, और अगर वहां भी वो था ना बिना बताया पेड़ काट ले तो आपा का ही करता। कदी तो बड़ान की जिया बालकान के बारे में सोच बा करो। जब थे दोनों भाई लड़ रहा था तो मारा से भगवत को चेहरो कोनी देखे जा रहे हो तो, और वहां भी वह दोनों आम का पेड़ा का आधा हिस्सा तो सूख बा लग गया है। मैं काहे करता विष्णु, भगवत से तो मैं भी घनो ही प्रेम करूं। अरे एक वाय तो है दोनों घर के बीच में, आशा की किरण। तो फिर रखो मारा सिर पर हाथ। काहे वास्ते? काहे वास्ते? काल संपत्रा घर जार पेड़ काटबा की कह राजो। तू तिरिया चरित्र, आया मानबा वाली कोने। ठीक है सुबह बोल दो भाभी ने, जा मारी चिलम भर लिया। अब बाहर ले आई। जीव तारे मारा बेटा, अब मैंने मारा भविष्य की कोई चिंता को नहीं। अब आरी मैं जार संपत ने बोल दूला कि भाया दोनी पेट काटना है काट ले। कहीं देख रहे हो भाई साहब? कुछ नहीं छोटिया, बस अपना बच्चा ने पौधा लगाता देख मारो कार जो भर आयो। कोई चिंता को नहीं, जब भगवत जैसे सपूत बेटो प्रकृति से उतरो प्रेम करे है तो मैं खुशी खुशी खेताने छोड़वाने तैयार हूं। यह कहीं बोल रहे हो भाई साहब? मैं सही कह रहा हूं छोटिया, काल तक तो मने खेता से घनो प्रेम हो, पर आज आज मैंने कोई चिंता कोने। और छोटिया तू दो पेड़ काटबो चाहे है ने तो जा काट ले, और मारो खयो शून्य माफ कर दे। अरे नहीं 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 भाई साहब, या कियान की बात कर रहे हो थे? मैं बचपन में जिया था के हर फैसले के सागे हूं, भी यही आज भी हूं, और अब मैं फैसलो कर लिया हूं बापेड़ अब कोनी कटेला। तू ये काई कह रहे हो छोटिया? हां भाई साहब, कल जद में था के घर सु गयो तो मैंने एहसास हुयो कि जाने अनजाने में था को दिल दुखाने को कितनो बड़ो पाप कर बैठे हो। और तो और यो भगवत भी मासु बात को नहीं करे हो, जब ताई में इके लिए नर्सरी से दो पौधा कौन ला दियो। आज तो भगवत ने आपा ने अपना बचपन की याद दिला दियो, आपा क्या खुशी खुशी पेड़ लगाता। हाँ भाई साहब, और मैं भी तो था को कतरो साथ दियो। तो ले चल, अब आपा सब मिलकर पौधा लगाऊंगा और फिर अपना खेत खलियान ने आशाओं को आंगन बनाओला। हाँ भाई साहब चल।